वाई चंद्र एंड वाई सो मच इम्पोर्टेंस गिवन टू चंद्र, तो इसके लिए हम कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स और पैरामीटर्स पे नज़र डालते हैं। सबसे पहला हमारी जो वैदिक ज्योतिष की क्लासिक है फलदीपिका, विच इज़ रिटन बाय मंत्रेश्वर जी, उनके एक चैप्टर में जिसका नाम है चर फलम, उसमें जो फर्स्ट श्लोका है वो ये है, मैं वो संस्कृत का एक श्लोका कोट करना चाहूँगा, विच सेज सर्वेशु लग्नेश्वापि सस्तु चंद्र लग्नम प्रधानम खलु गोचरेशु। सो वॉट ही इज ट्राइंग टू से हेयर इज कि दो ऑल लग्नाज आर अवेलेबल, चंद्र लग्ना और मून लग्ना इज द प्राइम लग्ना फॉर द डिलिनेशन ऑफ द ट्रांजिट रिजल्ट्स। कहने का मतलब है कि हमारे पास सारे लग्ना अवेलेबल है, ही हैज़ गिवन अस अ परमिशन टू व्यू ट्रांजिट फ्रॉम ऑल द लग्नाज, बट हैविंग सेड दैट ही हैज़ मैंशन दैट द चंद्र लग्ना और मून लग्ना इज द प्राइम लग्ना फॉर द डिलिनेशन और फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रांजिट रिजल्ट्स। सो एक तो क्लासिक में ही कॉन्टेक्स्ट सेट हो गया कि चंद्र लग्न इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम कोई भी कुंडली का जब भी विश्लेषण करते हैं, एक तो हम एसेंडेंट से कुंडली को चेक करते हैं और दूसरा हम चंद्र लग्न से भी करते हैं। फिर मून का जन्म नक्षत्र फॉर्म्स द बेसिस, फॉर्म्स द जेनेसिस ऑफ द विमशोत्री दशा। सो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे प्रिडिक्शन प्रोसेस में प्रॉमिस ऑफ द हॉरोस्कोप, प्रॉमिस ऑफ द कुंडली चंद्र लग्न से भी देखी जाती है। दशा जो है वो भी चंद्र के जन्म नक्षत्र से जेनेसिस होता है, अगर हम विमशोत्री दशा की बात करें। सो नाउ व्हेन मून हैज प्लेड सच एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनिंग द प्रॉमिस ऑफ द हॉरोस्कोप एंड इन दशा, देन लॉजिकली ट्रांजिट विच इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिलीवरी शुड ऑल्सो बी सीन फ्रॉम मून। तो जब आपने स्ट्रेंथ ऑफ द हॉरोस्कोप, प्रॉमिस ऑफ द हॉरोस्कोप देख लिया, आपने दशा देख ली, देन वाई लीव चंद्र आउट फ्रॉम द ट्रांजिट। तो लॉजिकली चंद्र का भी सेंस बनता है। वैसे भी चंद्र हमारा मन है, इट हेल्प्स अस परसीव दोज इमोशंस, हैप्पीनेस, सैडनेस, किसी भी तरह के इमोशंस हो, वो चंद्र के हमारे मन के थ्रू ही हम उसको देखते हैं। हम अपनी मन की आंखों से ही हमारे जीवन के रिजल्ट्स को अनुभव करते हैं। हेंस द क्लासिक्स में ये जो इम्पोर्टेंस दिया गया है चंद्र का। अब अगर हम क्लासिक्स की बात कर रहे हैं और हमने फलदीपिका की बात की, फलदीपिका में एक और श्लोक है विच इज चंद्रम बलम तू निखिल ग्रह वीर बीजम, विच इम्प्लाइज that the strength of the moon that seeds the strength of all the other planets. Matlab strength of the moon hai, wo feed karti hai as the seed to the strength of all the other planets. Agar hum Faldipika ke alawa Mansagari ki baat karein, usme ek pehla shloka ye hai ki while the ascendant is the body, moon is the prana. Dusra shloka Mansagari mein ye bhi hai ki good and bad results, achhe aur bure output jo hai ya outcomes jo hai, they are like a tree whose seed is the moon, fruits is the ascendant, divisional charts are its taste. Hence, moon jo hai, jo chandra hai, is the seed, is the basis for this tree of prediction. And last but not the least, hamara Hindu navvarsh jab aarambh hota hai, tab chandra jo hai, wo chaitra maas mein, shukl paksh mein pravesh karte hain, jaise hum pratipada kehte hain, chaitra shukl paksh ki. So, itne sare factors mein, chandra ko itni importance di gayi hai, and hence it becomes logical ki hum transit bhi chandra se hi dekhe. In fact, to go beyond the concept of transit, all these whatever points we've mentioned actually point us to the fact ki astrology ka koi bhi concept ho, chahe wo transit ho ya koi aur ho, chandra ka role is very very important and it needs to be considered there. So Yogesh ji, ye to tha about chandra importance of मून इन ट्रांसिट। यहाँ पे मैं एक पुराने वाले जो श्लोक मैंने पढ़ा था, मैं उसके बारे में दोबारा बात करना चाहूँगा कि जब मंत्रेश्वर जी ने कहा था कि ऑल लग्नाज आर अवेलेबल, द मून लग्ना इज द प्राइम लग्ना फॉर ट्रांसिट रिजल्ट्स, इफ यू वर टू एक्चुअली इंटरप्रेट इट लिबरली या नॉट लिटरली, जैसा कि मैंने पहले कहा था, मंत्रेश्वर जी हमें यह हिंट दे रहे हैं कि आप ट्रांसिट देखिए, बाकी लग्ना से भी देखिए, लेकिन मून को भी ट्रीट कीजिए। अब अगर हम जैसे इफेक्ट ऑफ दशा स्टडी करते हैं, so we take the house where the dasha lord is placed as the lagna and check for results. That is one way of looking at interpreting the results of dasha. Also, if we need to study the effects on a particular house, hamare paas mantreshwara ji ki permission hai to treat that house as a lagna. So kehne ka matlab ye hai, in summary, before I end this particular topic, is ki moon is considered important, but mantreshwara in faldipika has given us the permission to treat other houses as lagna as well and do our research accordingly as well. जैसा आपने बताया कि चंद्र का बहुत मेजर रोल रहता है गोचर में, गोचर के एनालिसिस में, तो सिमिलरली उसी पैटर्न को अगर हम फॉलो करते हैं तो जितने भी प्लैनेट्स हैं हम जानते हैं कि वो सभी चलायमान हैं, मिनट टू मिनट दे आर मूविंग। तो हो सकता है जो प्लैनेट आज मेरे को रिजल्ट दे रहा है बेनिफिक, हो सकता है वो कल ना दे,
तो ऐसा कौन सा हाउसेस का प्लेसमेंट्स है जब वो उस पर्टिकुलर हाउस से ट्रांजिट होता है मून से, कि वो अच्छे रिजल्ट देगा या फिर नॉट सो गुड रिजल्ट देगा, तो वही उसी पर हम चर्चा करते हैं। अब अगर हम बात करें, शुरुआत करें सूर्य से, तो सूर्य बेसिकली राजा है, तो इसका जो ट्रांजिशन है इज कंसिडर्ड बेनिफिक फ्रॉम द थर्ड हाउस, फ्रॉम द सिक्स्थ हाउस, फ्रॉम द टेंथ हाउस एंड फ्रॉम द इलेवेंथ हाउस। तो इसमें एक मेजर चीज़ ये है कि जो इलेवेंथ हाउस है वो सभी के लिए अच्छा कंसिडर किया जाता है, कोई भी प्लैनेट भले ही वो मैलिफिक हो या फिर बेनिफिक हो, तो इलेवेंथ हाउस से जब भी वो गोचर करेगा तो इट इज़ कंसिडर्ड कि वो रिजल्ट अच्छे ही प्रोवाइड करेगा नेटिव को। और इसमें एक चीज़ और आती है कि जितने भी हमारे मैलिफिक्स हैं वो उपचय स्थानास में जब भी ट्रांजिट करेंगे दे विल डिलीवर द गुड रिजल्ट। देर इज अ कंसेप्ट कॉल वेधा। जैसे हमने बताया सूर्य जब भी थर्ड हाउस, सिक्स हाउस, टेंथ हाउस और इलेवंथ हाउस से ट्रांजिट करेगा, तो हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर प्लैनेट किसी एक पर्टिकुलर हाउस में होकर इस सूर्य के अच्छे रिजल्ट्स को वेधा कॉज करे। तो वही हम चीज़ देखते हैं, ऐसा कौन कौन से हाउसेज की प्लेसमेंट हो सकती है जहाँ पे सूर्य का जो अच्छा रिजल्ट आ सकता है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा। सूर्य जब भी थर्ड हाउस से मूव करेंगे तो कंडीशन ये है कि कोई भी प्लैनेट नाइन्थ हाउस में ना हो अदर देन शनि, क्योंकि शनि ना तो वेधा कॉज करेंगे सूर्य को, क्योंकि देर इज अ रिलेशन ऑफ फादर एंड सन बिटवीन दैम, तो शनि का इन्वॉल्वमेंट वेधा में होता नहीं है सूर्य के लिए। तो सूर्य जब भी थर्ड हाउस से इन्वॉल्व करेंगे तो उनका करस्पॉन्डिंग हाउस नाइन्थ, उसमें कोई पर्टिकुलर प्लैनेट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली जब सूर्य सिक्स हाउस से ट्रांजिट करेंगे तो प्लैनेट इन ट्वेल्थ हाउस नहीं होना चाहिए कोई भी। सूर्य जब भी टेंथ हाउस से ट्रांजिट करेंगे तो कोई भी प्लैनेट फोर्थ में नहीं होना चाहिए। सूर्य जब भी इलेवंथ हाउस से ट्रांजिट करेंगे तो कोई भी प्लैनेट फिफ्थ में नहीं होना चाहिए। अगर इस पर्टिकुलर हाउसेस में प्लैनेट आ जाते हैं तो दे कैन कॉज अ वेधा। वेधा लिटरली मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन टू व्हाट? ऑब्स्ट्रक्शन टू द गुड रिजल्ट्स ऑफ द ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स। नाउ अगर हम आगे बढ़ें सूर्य से चंद्र की ओर आए, तो चंद्र के हमारे जो जो सूर्य के हाउसेस है वो तो कॉमन है 3, 6, 10, 11, बट इन एडिशन टू दीज हाउसेस दो हाउसेज और एड हो जाते हैं जहाँ पर चंद्र अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, वो है लग्न, चंद्र लग्न फर्स्ट हाउस एंड सेवंथ हाउस। तो बेसिकली जब चंद्र फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, सिक्स हाउस, सेवंथ हाउस, टेंथ हाउस एंड इलेवंथ हाउस से ट्रांजिट करेंगे तो इट इज सपोज कि वो अच्छे रिजल्ट डिलीवर करेंगे। बट सिमिलरली कंडीशन यहाँ पर भी आ रही थी कि कोई पर्टिकुलर प्लैनेट चंद्र के वेधा लोकेशन पर नहीं होना चाहिए। अब वो देख लेते हैं वेधा लोकेशन चंद्र के लिए क्या क्या है। चंद्र जब फर्स्ट हाउस से ट्रांजिट करते हैं तो कोई भी प्लैनेट फिफ्थ हाउस में नहीं होना चाहिए। चंद्र जब थर्ड हाउस से ट्रांजिट करते हैं तो कोई प्लैनेट नाइन्थ में नहीं होना चाहिए। चंद्र जब सिक्स हाउस से ट्रांजिट करते हैं तो कोई प्लैनेट ट्वेल्थ में नहीं होना चाहिए। सिमिलरली जब सेवन्थ से ट्रांजिट करते हैं तो करस्पॉन्डिंग टू सेवन्थ सेकेंड हाउस में कोई नहीं होना चाहिए। अब टेंथ से ट्रांजिट करते हैं चंद्र तो फोर्थ हाउस में कोई नहीं होना चाहिए। इलेवंथ से ट्रांजिट करते हैं तो एट्थ हाउस में कोई नहीं होना चाहिए। अब इसमें भी एक्सेप्शन है बुधा की। चंद्र और बुधा आपस में एक दूसरे को वेधा कॉज नहीं करते। नाउ फर्दर मूविंग ऑन टू बुध। बुध क्या है? बुध एक मर्चेंट है। तो मर्चेंट बेसिकली जब भी मूव करेगा अर्थ त्रिकोणा हाउसेस से जो कि है सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस एंड टेंथ हाउस, तो इट इज सपोज बुध अच्छे रिजल्ट डिलीवर करेगा नेटिव को। लेकिन इसी में दो फर्दर हाउसेज और ऐड हो जाते हैं, जैसे कि फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस से जब बुध ट्रांजिट करेगा तो डायरेक्ट एस्पेक्ट दे रहा है टेंथ को, तो काइंड ऑफ इट इज इम्पैक्टिंग द अर्थ त्रिकोण हाउस ओनली। नाउ बुध एट्थ हाउस से ट्रांजिट करेगा तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस दे रहा है सेकंड हाउस को, तो इनडायरेक्टली इट इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग द सेकंड हाउस। नाउ इलेवंथ हाउस बींग द यूनिवर्सली गुड हाउस फॉर ईच प्लैनेट दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड हेयर। तो देखा जाए तो बुध के लिए सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, सिक्स हाउस, एट्थ हाउस, टेंथ हाउस एंड इलेवंथ हाउस आर कंसिडर्ड द फेवरेबल हाउसेज। अब इसमें भी वेधा का कंसेप्ट अगर हम लगाते हैं तो सेकेंड हाउस के करस्पॉन्डिंग कोई प्लैनेट फिफ्थ में नहीं होना चाहिए, फोर्थ के करस्पॉन्डिंग कोई प्लैनेट थर्ड में नहीं होना चाहिए, सिक्स के करस्पॉन्डिंग कोई प्लैनेट नाइन्थ में नहीं होना चाहिए, एट्थ के करस्पॉन्डिंग कोई प्लैनेट फर्स्ट हाउस में नहीं होना चाहिए, टेंथ के करस्पॉन्डिंग कोई प्लैनेट एट्थ हाउस में नहीं होना चाहिए, सिमिलरली इलेवंथ के करस्पॉन्डिंग कोई प्लैनेट ट्वेल्थ में नहीं होना चाहिए। इसमें भी एक्सेप्शन है चंद्र की। अब फर्दर मूव करते हैं मंगल की ओर। मंगल थर्ड हाउस, सिक्स हाउस एंड इलेवंथ हाउस से जब भी गोचर करेगा तो अच्छे रिजल्ट देने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। सिमिलरली अगर थर्ड हाउस से गोचर करता है तो ट्वेल्थ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए।
अगर सिक्स हाउस से गोचर करता है तो नाइन्थ में कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए, इलेवेंथ से गोचर करता है तो फिफ्थ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए। नाउ अगर हम आगे बढ़ते हैं फर्दर तो शुक्र की ओर, वीनस बीइंग द मोस्ट हैप्पीएस्ट प्लैनेट अमंग ऑल दीज प्लैनेट्स, इट लव्स टू ट्रांजिट थ्रू मैक्स ऑफ मोस्ट ऑफ द हाउसेज, तीन हाउसेज हैं सिक्स हाउस, सेवन्थ हाउस एंड टेंथ हाउस, जहाँ पे वीनस जो है उसका ट्रांजिशन इज नॉट कंसिडर्ड गुड। तो जैसे आपने देखा कि हर एक पर्टिकुलर प्लैनेट के ट्रांजिशन के लिए एक वेधा हाउस तो है ही है, तो सिमिलरली शुक्र के लिए भी है। शुक्र जब भी फर्स्ट हाउस से ट्रांजिट करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई भी प्लैनेट एट्थ हाउस में नहीं होना चाहिए, शुक्र जब भी सेकेंड हाउस से ट्रांजिट करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग सेवन्थ में कोई नहीं होना चाहिए, अब थर्ड हाउस से ट्रांजिट करेंगे शुक्र तो उसके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट हाउस में कोई नहीं होना चाहिए, फोर्थ से ट्रांजिट करते हैं तो टेंथ हाउस में कोई नहीं होना चाहिए, फिफ्थ से ट्रांजिट करते हैं तो नाइन्थ में कोई नहीं होना चाहिए, एट्थ से ट्रांजिट करते हैं तो फिफ्थ हाउस में कोई नहीं होना चाहिए, नाइन्थ से ट्रांजिट करेंगे तो इलेवंथ में कोई नहीं होना चाहिए, इलेवंथ से ट्रांजिट करेंगे तो थर्ड हाउस में कोई नहीं होना चाहिए, सिमिलरली ट्वेल्थ से ट्रांजिट करते हैं तो सिक्स हाउस में कोई भी पर्टिकुलर प्लैनेट नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो शुक्र जो अच्छे रिजल्ट दे सकता था वो अच्छे रिजल्ट हमको नहीं मिल पाते। फर्दर मूविंग टू गुरु, गुरु का ट्रांजिट सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस एंड इलेवंथ हाउस से अच्छा कहा जाता है। सेकेंड हाउस के करस्पॉन्डिंग कोई भी प्लैनेट ट्वेल्थ में अगर आ जाता है तो वो वेधा कॉज करेगा अच्छे रिजल्ट्स को गुरु के। अब फिफ्थ हाउस के करस्पॉन्डिंग फोर्थ में कोई प्लैनेट आ जाता है तो वो भी वेधा कॉज करेगा गुरु के अच्छे रिजल्ट्स के। सेवन्थ हाउस से गुरु जब ट्रांजिट करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट आता है तो वो वेधा कॉज करेगा। नाइन्थ हाउस में गुरु जब ट्रांजिट करते हैं, टेंथ हाउस में कोई प्लैनेट आता है तो वो वेधा कॉज करेगा। इलेवंथ में गुरु जब ट्रांजिट करते हैं, अगर एट्थ में उस टाइम पे कोई प्लैनेट आ जाता है तो वो वेधा कॉज करेगा। नाउ मूविंग टू शनि, शनि के भी हमारे वो हैं कॉमन प्लैनेट्स, कॉमन हाउसेस, थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस एंड इलेवंथ हाउस। थर्ड हाउस से जब शनि ट्रांजिट करते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, बट प्रोवाइडेड कोई भी प्लैनेट ट्वेल्थ हाउस में ना हो। सिमिलरली सिक्स्थ हाउस से जब शनि ट्रांजिट करेंगे तो नाइन्थ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए, इलेवंथ से जब शनि ट्रांजिट करेंगे तो फिफ्थ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए। एक्सेप्शन इज द सन, सूर्य और शनि आपस में एक दूसरे को वेधा कॉज नहीं करते हैं। राहु केतु की बात करें तो राहु को हम शनि की तरह देखते हैं और केतु को मंगल की तरफ देखते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट में एक और कॉन्सेप्ट ऐड होता है जिसको हम कहते हैं विपरीत वेधा। विपरीत वेधा क्या कॉन्सेप्ट है? विपरीत वेधा बेसिकली इज यूज्ड जहां पे मान लीजिए, ये तो हमने बात की फेवरेबल पोजिशंस की प्लैनेट की नेटल मून से। अब हो सकता है कोई प्लैनेट के लिए फेवरेबल पोजिशन ना हो जहां से वो ट्रांजिट कर रहा हो, तो वही हम बात करते हैं। जैसे सूर्य की बात करें तो सूर्य का फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस से ट्रांजिट होगा तो वो नॉट सो गुड ट्रांजिट कहा जाता है। बट एट द सेम टाइम कोई पर्टिकुलर प्लैनेट आ जाए फोर्थ हाउस के करस्पॉन्डिंग टेंथ में, फिफ्थ हाउस के करस्पॉन्डिंग इलेवंथ में, नाइन्थ हाउस के करस्पॉन्डिंग थर्ड हाउस में, ट्वेल्थ हाउस के करस्पॉन्डिंग सिक्स हाउस में, एक्सेप्ट शनि, तो हो सकता है सूर्य जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस दे सकता था वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए। इसी को हम कहते हैं विपरीत वेधा। विपरीत वेधा लिटरली मीन्स कैंसलेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। अब ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे कौन दे रहा है? सूर्य। क्यों दे रहा है? क्योंकि वो अपने मैलिफिक हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। नाउ अगर हम आगे बढ़े चंद्र की ओर, तो चंद्र का ट्रांजिट सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस आर नॉट कंसिडर्ड गुड। तो सेकेंड हाउस के करस्पॉन्डिंग सेवन्थ हाउस में कोई भी प्लैनेट अगर ट्रांजिट करता है तो दैट कैन कॉज विपरीत वेधा। फोर्थ हाउस के करस्पॉन्डिंग टेंथ हाउस में कोई प्लैनेट ट्रांजिट करता है, सिमिलरली दैट कैन ऑल्सो कॉज विपरीत वेधा टू चंद्र। फिफ्थ हाउस से ट्रांजिट करता है चंद्र तो उसके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट में कोई अगर आता है दैट विल कॉज द विपरीत वेधा। एट्थ से जब ट्रांजिट करते हैं चंद्र तो इलेवंथ में कोई प्लैनेट आता है तो दैट कैन कॉज विपरीत वेधा। नाइन्थ से जब चंद्र ट्रांजिट करते हैं तो थर्ड हाउस से कोई प्लैनेट ट्रांजिट करे तो वो भी विपरीत वेधा कॉज करेगा। ट्वेल्थ से जब चंद्र ट्रांजिट करते हैं तो कोई भी प्लैनेट सिक्स्थ हाउस से ट्रांजिट करेगा तो इट विल कॉज द विपरीत वेधा टू द चंद्र। इसमें भी एक्सेप्शन है बुध का। बुध ना तो वेधा कॉज करेगा ना ही विपरीत वेधा कॉज करेगा चंद्र के लिए। मंगल की ओर चलते हैं तो मंगल का ट्रांजिट ट्वेल्थ हाउस, नाइन्थ हाउस एंड फिफ्थ हाउस से नॉट कंसिडर्ड दैट गुड। सो ट्वेल्थ के करस्पॉन्डिंग थर्ड हाउस, नाइन्थ के करस्पॉन्डिंग सिक्स्थ हाउस, फिफ्थ के करस्पॉन्डिंग इलेवंथ हाउस, इन सभी हाउसेज से अगर कोई प्लैनेट ट्रांजिट करता है एट द सेम टाइम जब मंगल ट्वेल्थ, नाइन्थ एंड फिफ्थ हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं तो हो सकता है वो प्लैनेट मंगल के मैलिफिक रिजल्ट्स को रोक दे, विपरीत वेधा कॉज कर दे। नाउ बुध की तरफ चलें तो बुध का फिफ्थ हाउस, थर्ड हाउस, नाइन्थ
हाउस, फर्स्ट हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस आर नॉट कंसिडर्ड वेरी मच फेवरेबल हाउसेस फॉर ट्रांजिट. नाउ फिफ्थ हाउस के करस्पॉन्डिंग सेकेंड हाउस में अगर कोई प्लैनेट आता है, या फिर थर्ड हाउस के करस्पॉन्डिंग फोर्थ में कोई आता है, नाइन्थ के करस्पॉन्डिंग सिक्स में कोई आता है, फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग एट्थ में कोई आता है, ट्वेल्थ हाउस के करस्पॉन्डिंग इलेवंथ में आता है, तो वो प्लेसमेंट किसी भी प्लैनेट की बुध के नेगेटिव इन्फ्लुएंस को रोक सकती है. इसमें प्रोवाइड एक एक्सेप्शन है चंद्र.